हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप भी चाहते हैं विंटर में भी ऐसे शाइनी हेयर, जो भी होगा डैंडर फ्री? तो इस वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मैं शेयर कर रही हूँ DIY एलोवेरा हेयर स्पा एट होम। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है ऑयलिंग। एलोवेरा हेयर ऑयल आपको बनाना है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, मेरा वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लेना। और सेकंड स्टेप से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है DIY एलोवेरा शैम्पू। एंड थर्ड स्टेप है मिराकल स्मूथनिंग मास्क। एंड लास्ट में हेयर वॉश। तो देख लेते हैं कि कैसे आप बनाएंगे एलोवेरा शैम्पू, जो कि आप स्टोर भी कर सकते हैं एटलीस्ट 10 डेज तक। तो अपने नीड के अकॉर्डिंग शैम्पू ले लीजिए। उसके साथ आपको मिक्स करना है करीब करीब 1 टेबल स्पून ऑफ एलोवेरा जेल, और फिर थोड़ा सा वाटर के साथ उसको मिक्स करना है। और इसको एक कोई भी बॉटल में भर के आप अपने बाथरूम में रख दीजिए। जब भी हेयर वॉश करना हो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप एसेंशियल ऑयल डाल देंगे तो इसका शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगा। तो ये हमारा बन गया DIY एलोवेरा शैम्पू। ओके, अब बारी आती है एलोवेरा हेयर मास्क, जो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। और एलोवेरा में होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जो आपकी डेड स्किन सेल्स को रिपेयर करता है। तो यहाँ पे मैंने एक एलोवेरा लिप लिया है, जिसको मैं अभी कट कर लूँगी और अच्छे से पील ऑफ कर लूँगी। अब इसका जूस निकालेंगे, जो जेल है वो निकालेंगे। एलोवेरा इज अ ग्रेट कंडीशनर फॉर योर हेयर। ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और इचिनेस होते हैं विंटर में जब तक कम करता है। तो इस रेमेडी को, इस हेयर एलोवेरा हेयर स्पा को आप कोशिश कीजिए कि वीक में एक बार आपको करना है। एलोवेरा जेल आपके स्कैल्प का पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, जिसके लिए आपके जो हेयर है वो और भी ग्रोइंग हो जाता है और बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाता है। तो इस तरीके से जेल कलेक्ट कर लीजिए, और उसके साथ आपको मिलाना है एसेंशियल ऑयल। यहाँ पे आई एम यूजिंग ग्रीन टी एसेंशियल ऑयल, टी ट्री ऑयल। ओके, अब इसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। और अभी आपको इसको अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने का 2 स्टेप है। पहला स्टेप है रूट और दूसरा स्टेप है हेयर स्ट्रैंड। तो जैसा कि इसका नाम है, ये एलोवेरा हेयर स्पा है, तो हेयर स्पा में जो टेक्निक्स अप्लाई किया जाता है उसी टेक्निक्स को यहाँ पे हमें करना है। पहले हम रूट्स पे लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि एवरी रूट्स में ये पहुँचना चाहिए और अच्छे से मसाज करना है। मसाजिंग हेल्प्स बूस्टिंग ब्लड सर्कुलेशन, जो कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसलिए मसाजिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर योर हेयर। अपनी फिंगर की जो टिप है उससे आपको मसाज करना है बहुत अच्छे से, और ध्यान रहे कि एवरी रूट में जो ये मास्क पहुंचना चाहिए। इस मास्क में मैंने एलोवेरा यूज़ किया है, जिसके लिए डैंड्रफ पूरा रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं बाद में कि ये डैंड्रफ को रिमूव करता है, क्योंकि ये अपने अपने बालों को, जो रूट एरिया है उसको बहुत अच्छे से नरिशमेंट पहुंचाता है और मॉइस्चराइज़र का काम करता है। तो विंटर में ही नहीं, आप इसको पूरे ईयर पर ही फॉलो कर सकते हैं। मैंने आज तक कभी भी कोई हेयर ट्रीटमेंट नहीं करवाया, बस मैं घर पे ऐसे हेयर मास्क फॉलो करती हूँ और मेरा हेयर कितना ब्यूटीफुल लगता है। ओके, और अभी आपको थोड़ा सा मसाज करना है इस तरीके से अपनी फिंगर टिप से। एलोवेरा जेल लिव इन कंडीशनर भी है। आप ऐसे ही एलोवेरा जेल को लगा के जा सकते हो कहीं बाहर, स्पेशली टिप पर, क्योंकि टिप एरिया जो है वो फट जाते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं जहाँ पे। तो टिप एरिया को मॉइस्चराइज रखना बिल्कुल हमें ज़रूरत है। तो ये लिव इन कंडीशनर की तरह भी काम करता है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये एलोवेरा हेयर स्पा आप अगर वीकली एक बार फॉलो करते हैं तो आपकी हेयर ग्रोथ देखने लायक हो जाएगा। ओके, ये पूरे जो स्पा मेथड है ये आप चाहे तो 2 दिन में भी कर सकते हैं, जो कि मैं करती हूँ, क्योंकि पार्लर में अगर हम स्पा करें तो 5 घंटे में सब कुछ हो जाता है। 3-4 घंटे तो लगता ही है अच्छे से करें तो।
लेकिन घर पे हमें उतना टाइम ना भी मिल सकता है, इसलिए मैं जो फॉलो करती हूँ वो है, पहले मैं एलोवेरा हेयर ऑयल लगा लेती हूँ, फिर वॉश कर लेती हूँ, और नेक्स्ट डे जो बिल्कुल वॉश्ड हेयर होता है उससे आपको पैक लगाना है, तो नेक्स्ट डे मैं ये स्मूदनिंग पैक लगा लेती हूँ और फिर माइल्ड शैम्पू यूज़ कर लेती हूँ। अब आपको लगाना है अपने हेयर स्ट्रैंड्स पे, जैसा कि हेयर स्पा के टाइम पे लगाया जाता है, एवरी स्ट्रैंड्स पे आपको एलोवेरा ये मास्क लगाना है, क्योंकि अगर आप डिज़ायर्ड स्मूथनेस पाना चाहते हैं तो आपको एवरी हेयर स्ट्रैंड्स पे लगाना है। थोड़ा सा टाइम लीजिए और अच्छे से लगाइए ताकि एवरी हेयर स्ट्रैंड्स पे ये पहुँचे। तो एलोवेरा हेयर स्पा आप घर पे करके आप भी बन सकते हैं लाइक रैपुंजेल, क्योंकि आपका हेयर ग्रोथ प्रोमोट होगा, आपके हेयर फॉलिकल्स वो बहुत नरिशमेंट मिलेगा और बहुत जल्दी आप देख सकते हैं कि आपके बालों का झड़ना बहुत कम हो गया है। ओके, मैंने फिनिश कर लिया है, अब थोड़ा सा मसाज दूंगी मैं। और एक बात, स्टिमिंग लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, स्टिमिंग इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो हेयर ऑयलिंग के बाद भी स्टिमिंग वाला पार्ट है मेरे वीडियो में, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट, क्योंकि एलोवेरा हेयर ऑयल आपके हेयर के लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है, तो मेरे उस वीडियो को चेक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, अभी मैं ये मास्क लगा लिया अपने हेयर पे। एलोवेरा एक ऐसी प्लांट है जिसका कोई भी हिस्सा हम वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि इसका हर हिस्सा काम में आता है। तो छिलके का भी मैं जो जेल वाला कुछ लगा था उसको भी मैं ऐसे मसाज कर रही हूँ और अपने फेस पे भी मसाज कर रही हूँ। एलोवेरा जेल अगर आप ऐसे अपने फेस पे मसाज करेंगे तो आप बहुत जल्दी ग्लास स्किन जो है ना, जो आजकल बहुत ट्रेंड है, ग्लास स्किन पा सकते हैं। मैं भी इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है। ओके, सो धोने के बाद जब मेरा बाल सूख गया है, मैं तुरंत आ गई कैमरे के सामने, मैंने अच्छे से देखा भी नहीं है, तो मैं यहाँ ही अच्छे से देख लेती हूँ कि कैसा है क्या है। ओ माय गॉड, बहुत बिल्कुल बिल्कुल सारे के सारे डैंड्रफ चला गया है और इतना स्मूथ हो गया है, मैंने अलग से कोई कंडीशनर यूज़ नहीं किया है, बस ये जो स्टेप्स मैंने दिखाई है वही फॉलो की है मैंने, और बहुत स्मूद आ रहा है, बहुत स्मूद दिख रहा है, एंड इट्स लुक सो ब्यूटिफुल, साथ ही साथ इट फील्स सो गुड। तो आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए एक बार, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा है, और आपका एक्सपीरियंस भी मुझे बताएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बनता है, मुझे सपोर्ट कीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय। Feel the wave.